अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा पुलिस ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। शराब के नशे में धूतरामपुरा पुलिस कर्मियों का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। शिकायतकर्ता राजकांत ने कहा कि वह रामपुरा का रहने वाला है। शिकायतकर्ता के अनुसार जिस दिन वह कार में अपने परिवार के साथ घर आ रहा था, राज्यों के अनुसार पुलिस कर्मियों की एक कार उसके वाहन से टकरा गयी। आरोपियों के मुताबिक पुलिस कर्मी नशे में थे और इसके अलावा पुलिस कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। छोटा की नाम है, छोटे नाम की वैसे बैसी सोटू कुछ नहीं पूछ रहा, नाम की है पूछ रहा। सोमा सिंह तुसी आप जगह सही हो, बिल्कुल जमा सही हो। वो बंदे ने होना तो गलती भी है कि नहीं है, गलती हैगी है ना। गलती ओके कोई गल नहीं, ओके ब्रो। सर जो कुछ दिन पहला PCR के मुलाजमान वालों किसी लोकल व्यक्ति की गड्डी गड्डी मार के नुकसान किया गया, उन्होंने गाली गलौज कढ़ी गई है, दारू पीती हुई, उन्होंने खिलाफ़ कोई कार्रवाई सर की? जी मेरे को ध्यान च आई सी गल, तो ये मेरे को आई सी मेरी पार्टी, तो मैं इन्होंने को मुलाजम भेजते, मैं समझौता हो गया से आप। अच्छा जी, सर ड्यूटी दौरान ड्रिंक करने कोई उन्होंने एक्शन नहीं? ड्यूटी दौरान ड्रिंक तो मेरे सामने नहीं आई इस तरह की गल। पिछली राती मैं अपने घर जा रहा सी, ते दूजी साइड तो पुलिस वाले ने आके चिट्टे रंग की गड्डी मेरी गड्डी मारी, नाल मेरे परिवार से छोटा बच्चा 3 साल सट पेट तो बच गया, पर दारू काफ़ी पीती हुई सी पुलिस वाले उन्होंने की, तो गाली गलौच भी काफ़ी की साढ़े नाल। बाद कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हुई, थाने भी गए थे SHO साहब कोई रिजल्ट कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिले अभी तक। मेरा आपका 20-25 हज़ार रुपये का आईडिया नुकसान हो गया गड्डी का। इंसाफ, मैं इंसाफ की मांग करता हाँ, कृपा करके मेरी सुनवाई की जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।